कोइम्ब्रा पोर्चुगल का चौथा बड़ा शहर है लिस्बन, पोर्टो और ब्रागा के बाद। रोमन्स ने इस सिटी को एस्टेब्लिश किया था मोंडेगो रिवर के किनारे एक पहाड़ी पर। ये शहर इतिहास, कल्चर और लाइफ से भरा हुआ है। राजा और रानियों से, आर्टिस्ट, एकेडमिक्स और स्कॉलर्स से। इस शहर का आर्किटेक्चर रोमन, मोरिश और विजिगोथिश आर्किटेक्चर है। गिमारेंज के बाद कोइम्ब्रा को पोर्चुगल की कैपिटल बनाया गया था, लेकिन जब पोर्चुगल मैरिटाइम पावर बन गया तो समुद्र के किनारे वाले शहर जैसे लिस्बन और पोर्टो पोर्चुगल के लिए इम्पोर्टेंट बन गए। ये शहर पैदल चलने वालों के लिए डिलाइट है। इसकी मेन रोड एकदम स्ट्रेट है, जिसका मतलब है ये शहर रोमन सदी से लेकर आज तक फल फूल रहा है। और ये ब्रिज आपको सिटी सेंटर ले जाता है, जहां से सिटी का शानदार नजारा देखने को मिलता है। और ये शहर फेमस है इसकी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहा जाता है कि कोइम्ब्रा घूमने जाना मतलब पोर्चुगल हिस्ट्री पढ़ना है। तो यूनिवर्सिटी जो अपर पार्ट में है, वहां जाने से पहले आप गुजरेंगे प्रासा ओइतु डु माइयो से, जहां पर कोइम्ब्रा सिटी हॉल और सांता क्रूज मॉनेस्ट्री है, जिसको इग्रेजा दे सांता क्रूज भी कहा जाता है। ये पोर्चुगल के सबसे इम्पोर्टेंट चर्चेज में से एक है, जिसका फैसेड मैनुलिन आर्किटेक्चर का है, और जहां पोर्चुगल के पहले दो राजाओं अल्फोंसो एनरिक और सांशु प्रिमेरु का टॉम्ब है, जिसका इंटीरियर भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेल्ड आर्चेस और ब्लू टाइल्स अजुलेजर से सजा हुआ है। इसके बाद आप जाएंगे इस शहर की पुरानी और खूबसूरत स्ट्रीट रुआ फेरेरा बॉर्जेस से। तो पहले मैं आपको बता दूं, मिडिल एजेस में कोइम्ब्रा को दो भागों में बांटा गया था, अपर सिटी और लोअर सिटी, और ये गेट आर्कु द अल-मदीना अपर सिटी का गेटवे था, और अरबिक में मदीना मतलब होता है टाउन। तो मिडिल एजेस में जब पोर्चुगल में मूरिश का राज हुआ करता था, तब कोइम्ब्रा इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था। तो इस स्ट्रीट से पास होते हुए आप यहाँ पर सुवेनियर भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने किया, क्योंकि मुझे सिंत्रा में बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहे थे और यहाँ प्राइस बहुत ही अच्छा था। कोइम्ब्रा फादू जो पोर्चुगीज म्यूजिक स्टाइल है, उसके लिए भी फेमस है। टाइम की कमी और सीट्स फुल हो जाने के कारण मैंने कुछ इस तरह दो पल फादू का आनंद लिया। इसके बाद ऊपर की तरफ जाते हुए आप रास्ते में देखेंगे सेव वेलिया चर्च, जो कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल है पोर्चुगल में रोमन आर्किटेक्चर का। इसके बाद हम पहुंचते हैं शहर के मेन अट्रैक्शन यूनिवर्सिडाद द कोइम्ब्रा, जिसके फाउंडर थे पोर्चुगल के कवि राजा दोम दिनेश, जहां पहले इस यूनिवर्सिटी में उस समय की बेसिक चीजें पढ़ाई जाती थी, जैसे कानून, धर्म, डॉक्ट्री। लेकिन जब पुर्तगाली सेलरों ने दुनिया भर में अपना व्यवसाय शुरू किया, तो मार्केश दे पोम्बाल ने और सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स, लॉ, मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, साइकोलॉजी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। और इस यूनिवर्सिटी में बरोक स्टाइल की लाइब्रेरी है, बिब्लियोथेका जोअनीना, जिसे देखकर आंखें खुली रह जाए। और इस लाइब्रेरी में सैकड़ों साल पुरानी किताबें रखी हैं, और अंदर किंग जॉन की बड़ी सी तस्वीर लगी है, जिसके नाम पर लाइब्रेरी का नाम भी है। और इसके अलावा यहाँ है एक अट्रैक्टिव चैपल कैपेला दे साउ मिगेल, और बेल टावर जो कि चेरिस्ट सिंबल है इस यूनिवर्सिटी का।
इस यूनिवर्सिटी से मंदेगू रिवर और सिटी का पनोरामिक व्यू अलग अलग पॉइंट से देखने को मिलता है। एक ट्रैवलर के तौर पर मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है। ये बॉटनिकल गार्डन क्वाइट रोमांटिक और मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटनिकल गार्डन है जो चीफ मिनिस्टर मार्केश दे पोंबाल ने बनवाया था। यहाँ पर 1200 से भी ज्यादा पेड़ और पौधे हैं जो दुनिया भर से लाए हुए हैं। और मेरा फेवरेट पार्ट था ये जहाँ बैम्बू ट्रीज है। सो व्हाट नेक्स्ट? आपको पता है कोइम्ब्रा हमें प्यार का लेसन भी पढ़ाता है। जहाँ प्यार है वहाँ ट्रेजेडी भी है। तो इस गार्डन के पीछे जिसका नाम है जार्डिन दे किंता दस लग्रीमस, पोर्चुगल की रोमियो और जूलियट जिनका नाम था पेद्रो इनेश, उनकी एक ट्रेजिक कहानी है जहाँ पर राजा पेद्रो के फादर अल्फोंसो ने उनकी प्रेमिका इनेश का मर्डर करवाया था। और इस गार्डन का नाम है किंता दस लग्रीमस। लग्रीमस मतलब है टीयर्स, आंसू। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस पार्क को देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मंडे को बंद होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक दिन ट्रिप पर कोइम्ब्रा जा रहे हैं तो मंडे को ना जाएं। पुर्तगाल दुश पिकिनी दुश द लिटिल वंस ऑफ पोर्चुगल। ये पार्क बच्चों के लिए बनाया गया है उस समय में जब यहाँ डिक्टेटर सालाजार का राज हुआ करता था और वो बच्चों को सिखाना चाहते थे पोर्चुगीज कॉलोनिज्म के बारे में। जहाँ पर पोर्चुगल के फेमस मॉन्यूमेंट्स, फाइनेस्ट बिल्डिंग्स और ट्रेडिशनल विलेजेस के मिनिएचर हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी वन बाय वन सबको रियल में देखने का, और इस जर्नी में मैं आपको मेरे साथ लेकर के चलूँगी। तो इस वन डे ट्रिप को खत्म करने से पहले मैं गई प्रासा दु कॉमर्सियो। ये स्क्वायर कोइम्ब्रा का सबसे बिजी और कॉमर्शियल स्क्वायर है जिसके एक कॉर्नर पर सांतियागो चर्च है और दूसरे साइड पर शॉप्स, बुटीक, कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां बैठकर मैंने भी इटालियन डिश ब्रुस्केत्ता का टेस्ट लिया। तो आपको कैसा लगा ये शहर और मेरा वीडियो इस शहर के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।